लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर तो कोई नहीं है। आया तो मैं किसी और से मिलने था, समझ लो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इसी बहाने मेहमान को कम से कम अंदर ले जाकर सेवा तो करोगी? ना ना ना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, अंदर जाकर तन्हाई का फायदा उठाओगे। अब हमेशा के लिए तन्हाई को दूर करना है, इसलिए मैं अपनी शादी की बात तुम्हारे बाप से करने आया हूँ, बाप से। मगर गोपाल, शादी की बात करने के लिए तुम अपनी माँ को क्यों नहीं भेजते? तुम भी कमाल करती हो, माँ समझती है कि वो बड़ी है, तुम्हारा बाप समझता है कि वो बड़ा है। इन दोनों के झगड़े के चक्कर में कहीं तुम मेरे हाथ से निकल गई तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कहाँ है? मैं भी उनसे अभी अपनी शादी की बात करता हूँ। वो सामने बगीचे में है। हे भगवान, हम दोनों की शादी की बात पक्की कर देना। नमस्ते, नमस्ते बेटा। लो अब आ गए अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने, अब सारा दिन सत्यानाश हो गया। बेटे गोपाल, कैसे आना हुआ? वो क्या है चाची जी, मेरी माँ आप लोगों से बात करने में अपनी बेइज्जती महसूस करती है, इसलिए अपनी शादी की बात करने मैं खुद आ गया हूँ। मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तुम्हारी माँ अपने बेटे की शादी की बात करने के लिए बेइज्जती महसूस करती है? वो भला वो हमारी बेटी की इज्जत क्या करेगी? भले मैं अपनी बेटी की शादी किसी भिखारी से कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे से नहीं करूंगा, इतना याद रखना तुम। आपकी बेटी की शादी मेरी माँ के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होने जा रही है, और मैं आपकी बेटी को बहुत ज्यादा इज्जत के साथ रखूंगा, ये मेरा वादा है। बेटा, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करती हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। ये लुच्चा लफंगा शख्स अपनी माँ के कहने पर किसी भी वक्त मेरी बेटी को घर से निकाल सकता है, तब कौन जिम्मेदार है? अगर मैं आवारा लुच्चा होता तो कब की तुम्हारी बेटी को बच्चे की माँ बना देता। और एक बात मैं आपको बोलूं, आपकी बेटी सपना कई बार मुझसे अकेले में मिल चुकी है। बस बस, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाए, चले जाओ यहां से, गेट आउट। हिम्मत तो देखो उसकी, वो गोपाल का बच्चा मेरे सामने धमकी देता है कि शादी करूंगा तो सपना था ही शादी करूंगा, और उसकी ये मजाल कि वो कहता है कि मैं चाहता तो सपना से अपने बच्चे को पैदा करता। और सुन लो, ये इधर आओ, यहां आओ, और तुम माँ बेटी अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। मैंने सोच लिया है कि सपना की शादी इसी महीने होगी, वो भी शंकर के साथ। शंकर के साथ? ये मेरा अटल फैसला है। महाकाय सुरकोटि समत्व निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्यं सर्वदा, तदेव लग्नं सुजनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लक्ष्मीबलं नैव बलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि, लाभस्तेषां जयस्तेषां तपस्तेषां पराजयः येषां इन्द्रश्यामोरयस्तो जनादनः यत्र योगेश्वर। जिसे दिल से चाहा आज उसकी शादी हो रही है, जैसी भगवान की मर्जी। बेटी, शंकर के गले में हाथ डालो। सपना, क्या बात है, तुम शादी से खुश हो ना? देखो रात काफी हो चुकी है और तुम भी थक गई होगी, ऐसा करो तुम आराम कर लो। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूं। मेरे ख्याल से तुम काफी थक गई हो सपना, तुम बत्ती बुझा के सो जाना, मुझे भी बहुत जोरों की नींद आ रही है। हाँ। मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है ना? देखो जैसा मैंने कहा वैसे करना, पत्ती बुझा के तुम सो जाना, मुझे भी बहुत जोरों की नींद आ रही है।
ये कैसी सुहाग रात है मेरी, इस रात के कितने सपने देखे थे मैंने, और ये आते ही सो गए। नमस्ते शंकर जी। आओ गोपाल आओ, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शंकर जी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप इतने पैसे वाले होकर भी यहाँ घास काट रहे हैं? अरे गोपाल, काम करने में बुराई क्या है, हम अपना ही तो कर रहे हैं। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? वो क्या है शंकर जी, जब आपकी शादी हुई थी तो मैं गांव में नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको शादी की मुबारकबाद दे आऊं। अच्छा मुबारकबाद देने आए हो, तो घर चलो चाय पी के जाना। जी हाँ हाँ, घर जाओ, जरूर जाओ। अरे मालकिन की हाथ की चाय में बड़ा मजा आएगा। चलो चलिए। मैं तो शादी से बहुत खुश हूँ। अच्छा। अपनी बीवी से लाओ। गोपाल और यहाँ लो चाय आ गई, बैठ जाओ सपना, बैठ जाओ। तुम तो जानती हो ये गोपाल है। अरे गोपाल ये सपना है ना, जब देखो तब तुम्हारी तारीफ करती रहती। अरे शंकर साहब तारीफ क्यों नहीं करेगी, आखिरकार हम लोग बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मुझे कुछ काम है। ठीक है, लो भाई गोपाल चाय पियो। जी कल तो सो गए थे, लेकिन आज नहीं सोने दूंगी। क्यों क्या देख रहे हो, आओ ना सोते हैं, आओ भी। मुझे कब अपने पति से प्यार के मन से मिलेगी। हमेशा अपने काम में ही खोए रहते हैं, बहुत ही भोले हैं। आज तो मैं खुशियां पाकर ही रहूंगी। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो। तुम इसी तरह से खुश रहना, बहुत खुश रहना। तुम मेरे पति हो, मेरी खुशियां तुमसे ही है, और आज रात मैं पाकर ही रहूंगी। आज तुम्हें मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। हाँ
और वो सुख पाकर रहूंगी जो हर पत्नी अपने पति से चाहती है। मैंने तुम्हारे साथ ये जानबूझकर तो नहीं किया ना। झूठ बोलते हो तो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ सपना, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे। हे भगवान, क्या होगा? देखो सपना, सपना देखो, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, अपना इलाज करवाऊंगा। मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ नहीं करता हूँ। मैं मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। याद रखना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, मेरी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस बाग की हरियाली को कायम रखने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी ना? ये तो उनकी मेहनत का फल है। मैं तो ये सोचती हूँ, इस बाग में मेरे हाथ का लगा एक भी पौधा नहीं है। तो सपना जी, इसमें सोचने की क्या बात है? लगा दो अपने हाथों से एक पौधा। पौधा लगाने के लिए जमीन और बीज दोनों का अच्छा होना जरूरी है। दोनों में से एक भी खराब होना तो पौधा नहीं लगाया जाता। सपना, क्या तुम्हारे पति तुम्हें कभी डांटते नहीं? नहीं, ना वो मुझे डांटते हैं और ना ही बुरा भला कहते हैं। हाँ, सारे गांव वाले तुम्हारे पति की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, करते हैं ना, जिस तरह पौधों से, जानवरों से प्यार किया जाता है, बस उसी तरह वो मुझसे प्यार करते हैं। सपना, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सपना, ये सपना को क्या हो गया? शादीशुदा होने के बाद भी उसने मुझे गले से लगाया। क्या बात है, तू रो क्यों रही है? कुछ तो बता ना मुझे। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं माँ? शंकर एक मर्द नहीं, ना मर्द है, ना मर्द। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं समझ गई बेटी, मैं समझती हूँ, लेकिन तू उस घर को कभी मत छोड़ना, उस रास्ते पे कभी मत चलना जिस रास्ते से वापस आने का कोई रास्ता ना हो।
जाकर गोपाल से मिल लूं। नहीं नहीं, मेरा उससे मिलना गलत होगा, ये ठीक नहीं है। सपना बेटी। हाँ? अरे चाची आप कैसी हैं? बस ठीक ही हूँ। तू मेरे घर के पास से गुजर रही है और मेरे घर के अंदर तक नहीं आई, तूने ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी ठेस पहुँचेगी इस बात से? चाची अगर मैं आपके घर आई तो गांव वाले क्या सोचेंगे? अरे उनको जाने दे, अगर मेरे घर नहीं आई तो मैं क्या सोचूंगी? दिन में 4 बार तेरा नाम लेती हूँ और पछताती हूँ कि मैं तेरे बाप के पास तेरा हाथ मांगने क्यों नहीं गई, क्यों मुझसे ये गलती हो गई। चल घर चल, आना आना बेटी, तू यहाँ बैठ जा। इतने दिनों के बाद मेरे घर पे आई, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। तुम सपना, तुम मेरे कितने पास हो, लेकिन सपना हम इतनी दूर क्यों हैं? क्या हम हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते? ये क्या, मुझे सपना के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो वो चाहती है वो शारीरिक सुख मैं उसे दे नहीं पा रहा हूं, न जाने उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। सपना, गोपाल, ओ सपना, मैंने तो सोचा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया सपना। गोपाल, सपना, मैंने तुम्हें पा ही लिया सपना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता सपना, तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ, हमें कोई अलग नहीं कर सकता सपना, कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिंदगी में रहा ही क्या है, कल रात के हालात देखने के बाद मेरा मर जाना ही बेहतर है। चलिए मालिक, काम शुरू करना है। किसके लिए काम करें? जिंदा रहने के लिए मालिक, मजदूर आपकी राह देख रहे हैं।
उनसे कह दो कि वापस चले जाएं। वापस चले जाएं? हाँ, चांद और सूरज वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर एक बार इज्जत चली जाए तो दोबारा वापस नहीं आ सकती। मगर मालिक, मैंने कहा ना, चले जाओ यहां से, आज के बाद कोई काम नहीं करना, जाओ यहां से। अब मेरे और शंकर के जीवन का क्या होगा? सपना अंत ही होगा यहां अकेले। मुझे ये समझ में नहीं आता कि शंकर इतना चुप क्यों है। सपना, क्या सोच रही हो? सपना, मैं ये सोच रही हूँ गोपाल, आखिर शंकर चुप क्यों है? मुझे सजा क्यों नहीं देता मेरे पाप की? मैं उस घर में आजाद तो हूँ, मगर ऐसा लगता है खामोशी के पत्थरों से बने उस जेल में मैं उम्र कैद की सजा काट रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। सपना, इस तरह से रोते रोते तो तुम मर जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। क्या तुम अपने पति को छोड़ सकती हो? सोच लो सपना, बाद में पछताओगी तो नहीं? हाँ। तो जाओ अपना सामान लेकर आओ और अभी मेरे साथ चलो। मुझे माफ कर देना शंकर, मैं मजबूर हूं इसलिए घर छोड़ के जा रही हूं। क्यों रे, क्या है ये सब, क्यों लाए थे? माँ, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ये मत पूछो। आज से सपना मेरी बीवी है, मेरी औरत है और इसी घर में रहेगी। चाची, लानत है मेरी जिंदगी पर जो मेरे होते हुए मेरी बीवी गोपाल के साथ भाग गई। हाँ, क्यों नहीं जाएगी दूसरे के साथ? मैं नपुंसक जो ठहरा, मैं जीकर क्या कर सकता हूं? अब मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता हूं। मेरे लिए यही बेहतर होगा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? मैं आपको ये जहर नहीं पीने दूंगा। छोड़ दो। नहीं मालिक, मुझे मर जाने दो। नहीं, मुझे जहर पीने दो, मुझे मरना है। नहीं मालिक, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मालिक, किसके लिए जियूं? नहीं छोड़ दो मुझे, मुझे मरना है। नहीं मालिक, अपने लिए जिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मालिक, नहीं छोड़ूंगा, नहीं, छोड़ मुझे ये जहर, छोड़। नहीं मालिक, चलो। नहीं मालिक, मैं ये जहर पीने नहीं दूंगा। मुझे मरने भी नहीं देते और मैं जी नहीं सकता, मैं क्या करूं? शंकर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो शंकर, मुझे बचा लो। शंकर, किसको पुकार रही थी? शंकर को? वो तो एक सपना था। ठीक है चल सो जा। शंकर को याद करती है। दारू भी खत्म हो गई, ये दारू भी लेकर नहीं आया, कहाँ चला गया? अरे कहाँ है? लीजिए मालिक।
मालिक हा? आज के बाद मैं आपके लिए दारू के अड्डे पर दारू लेने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं वहां जाता हूं तो लोग आपके बारे में न जाने क्या क्या बातें करते हैं, और मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। मैं कहीं भी नौकरी करके अपना पेट भर लूंगा। सुगो, तू भी चला गया। सुगो, अब मेरी जिंदगी में कौन है? कौन है मेरी जिंदगी में? अब मैं किसके लिए जीऊं? अब मैं सिर्फ मरना चाहता हूं। गोपाल जी हैं? क्यों, क्या काम है? कुछ नहीं, वो मेरे घर किताब भूल गए थे, किताब लौटाने आई थी। तुम कौन? मैं बसंती हूँ, कह देना बसंती आई थी। गोपाल की किताब और इस लड़की के पास? मुझे पता करना ही होगा कि इन दोनों में क्या संबंध है। कहाँ गए थे तुम? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रही? तो गोपाल, मैंने तुम्हें किताब दी थी पढ़ने की, वो किताब कहाँ है? वो किताब कहाँ है? अच्छा, तो तुम्हें वो किताब नहीं पता कहाँ है? वो किताब है यहाँ। ये किताब मुझे तुम्हारी वो नाचने वाली बसंती ने दी है। तुम उसके घर पर क्या करने गए थे? उस बदनाम लड़की के घर पर तुम क्यों गए थे? दूसरों को बदनाम करने से पहले तुम अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम अच्छी तरह से जानती हो। देखो गोपाल, आज के बाद तुम उस लड़की के घर पर गए ना तो बहुत पछताओगे। वो तो मैं अभी भी पछता रहा हूँ, आज भी पछता रहा हूँ। मैं तो तुम्हें अपने घर पर लाकर ही पछता रहा हूँ। अच्छा, तो सपना ने इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। गोपाल और बसंती, देखो ना, मैं दो दिन तुम्हारे घर के आया, बात का बतंगड़ बना दिया सपना ने। खुद को समझती क्या है? खुद भी तो दूसरे मर्द के साथ रह चुकी है, पवित्र समझती है क्या? हाँ, तुम्हें और मुझे लेकर बात का पतंगड़ बना दिया घर में। मैं तो उसे अपने घर में लाकर ही पछता रहा हूँ। देख लूंगा तुझे। माँ जी, आम का मौसम तो है नहीं। हाँ, मगर कहीं से कैरी मिल जाती तो। कैरी? हाँ, कुछ खट्टा खाने को दिल करता है। अच्छा, इसका मतलब तू माँ बनने वाली है। सबसे पहले मैं गोपाल को जाके बताती हूँ। गोपाल। अरे माँ, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही। अरे बात ही ऐसी है, सपना माँ बनने वाली है, ये खबर उसके घर वालों को जाके बता दे। माफ करना माँ, ये खबर सुनकर वो लोग मुझे मिठाई खिलाने वाले नहीं है। घर से भी नहीं निकालेंगे, समझा? अगर तुझे डर लगता है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ, चल। कहिए क्या बात है, कैसे आना हुआ? देखिए, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, बस ये कहने के लिए मैं आपके पास आई थी। हम लोगों के बीच में जो भी मनमुटाव है, जो भी झगड़ा है, उसे भुला दीजिए, उसे अपने घर बुला लीजिए। खैर, जो हुआ सो हुआ, हम अपनी बच्ची की पहली पैदाइश पर उसे अपने घर ले आते हैं। आराम से, आराम से। शायद गोपाल को कोई काम पड़ गया होगा, एक काम करते हैं, अब मैं चलता हूँ। देखिए, मैंने सुबह बताया था गोपाल को आप लोगों के बारे में कि आप लोग सपना को घर लेके जाने वाले हैं, शायद कोई काम पड़ गया होगा। हो सकता हो किसी काम से फंस गया होगा, अभी हम चलते हैं। चलो जा बेटी। चलो। चाची, अरे ओ चाची, क्या बात है बेटे? माफ करना चाची, काम में कुछ ऐसा उलझा कि आना ही नहीं हुआ। ये बताइए कि सपना कहाँ है? सपना घर पर नहीं है। सपना घर पे नहीं है? कमाल करती है चाची, सपना आपके साथ आपके घर में रहती है और आप कहती है कि सपना घर पे नहीं है। क्योंकि उसके बाप और भाई ये नहीं चाहते कि तुम सपना से मिलो। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि तुम सपना के पति नहीं हो। अच्छा, तो उनके ये इरादे हैं? तुम जो भी समझो। तो फिर उनको भी ये समझा देना कि जब तक वो मेरे तलवे नहीं चाटेंगे, सपना को ले जाने के लिए फरियाद नहीं करेंगे, तब तक मैं भी सपना को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा चाची, समझी?
गोपाल आया और उसे झूठ बोलकर भेज दिया कि सपना घर पे नहीं है। वापस सपना अकेली हो गई। अब इसका क्या होगा? लेकिन इधर उधर भागना मत, मेरे साथ में ही रहना, समझी? हाँ। हाँ। अरे चाचा जी, इतनी सुबह सुबह आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये पिछवाड़े मेला लगा है ना, गीता बिटिया को मेला दिखाने ले जा रहा हूँ। अच्छा 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 जी, तो फिर वो बसंती कहाँ? बसंती? अरे वो घर में है। अरे घर में है, वो मेला देखने जाएगी तो घर का काम काज कौन करेगा? अच्छा ठीक है चाचा जी। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ जी चलो बेटी। हाँ चल इधर इधर। बसंती घर में अकेली है, आज बहुत अच्छा मौका है। गोपाल और बसंती के घर में? बसंती कुछ गड़बड़ है, महेश को बताता हूँ। बसंती कौन? मैं गोपाल। आइए आइए, आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। दरवाजा बंद कर लेता हूँ, कहीं कोई देख ना ले। अब ठीक है। महेश भाई, महेश भाई, तुमको एक बात बतानी है। हाँ बोल। वो क्या है ना गोपाल, है ना, हाँ हाँ, वो बसंती के घर में घुसा हुआ है और दरवाजा भी बंद कर लिया है। और तुम तो जानते हो दरवाजा बंद करने के बाद क्या होता है। आज मैं उस कमीने को सुनता नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, अब उस नाचने वाली के साथ गुलझर्रे उड़ा रहा है। तुम एक काम करो, पूरे के पूरे गांव वालों को लेकर आओ और चलो मेरे साथ। ठीक है, देखता हूँ आज कैसे बचता है। अरे गोपाल जी, मैं आप ही को याद कर रही थी। क्या बात कर रही है, आप मुझे याद कर रही थी? क्यों, आपको यकीन नहीं आता? नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? अगर आप यकीन दिलाएंगी तो यकीन आ जाएगा। गोपाल जी, वाकई आप एक मर्द हैं, मुझे आपकी मर्दानगी पे नाज है। दरवाजा खोलो गोपाल, खोलो नहीं। गोपाल खोलो दरवाजा, बाहर नहीं निकलोगे। गोपाल बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ गोपाल, बाहर आ जाओ। खोलो दरवाजा गोपाल, बाहर आ जाओ गोपाल, बाहर आओ, बाहर आ जाओ। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। अरे बाहर आ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गांव वालों देखो गोपाल बसंती के साथ किस तरह अय्याशी कर रहा है। अगर इस कमीने ने बसंती से शादी नहीं की तो इसको हम गांव में पेड़ से बांध कर मार डालेंगे साले को। अरे महेश बेटा ये सब क्या हो रहा है? तू चुप, क्या हो रहा है सब? पेटियों की दलाली खाने वाले बुड्ढे, तुम बैठो, मैं जाके देखता हूँ। खबरदार, अगर बसंती या उसके घर वालों को किसी ने भी कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग? अबे तुझसे बुरा है ही कौन जो पराई औरतों के साथ कमरा बंद करके अय्याशी करता है? बकवास बंद करो, मैं घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। गोपाल, तुम गांव वालों को क्या अंधा समझते हो? मैं जानता हूँ विनोद, ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। गोपाल, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो, अगर आग लगाना होता तो मैं तुम्हें कब का जिंदा जला दिया होता। मगर ये मामला तो प्यार का है ना, इसे तो प्यार से ही सुलझाना पड़ेगा। नहीं विनोद साहब, नहीं, ये कमीना प्यार से नहीं समझेगा, इसको तो सरेआम पेड़ से बांध कर मारना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी तुम्हारे हमले का मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। रुकना यहीं पर, जाना मत। चलो उठो बसंती, उठो। अरे अरे गोपाल साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये बाहर क्या तमाशा लगा के रखा है? वो क्या है ना चाचा जी, सपना का भाई मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, मुझे बदनाम करना चाहता है, लेकिन मैं भी उसको और सपना को छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बसंती, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। तो फिर आओ बसंती। गांव वालों सुन लो,
मैं बसंती से शादी कर रहा हूं। आज के बाद बसंती मेरी पत्नी है। अगर आज के बाद किसी ने कुछ कहा तो मैं उसका बहुत बुरा अंजाम करूंगा। अरे तुम लोगों को जो भी करना है कर लो, समझे? विनोद, तुमने एक तीर से दो शिकार करना चाहा, मगर तुम एक भी शिकार नहीं कर पाए। और हां महेश, तू भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल जा। चलो बसंती। यहां आकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे ये मेरा घर है, आओ। माँ, ओ माँ। हाँ आती हूँ। ये कौन है? माँ ये बसंती है। अच्छा अच्छा, वो बसंती जो नौटंकी करती है? हाँ बड़े किस्से सुने हैं इसके। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो? आज बसंती की वजह से आपके बेटे की जान बची है। सारे गांव वाले मेरे पीछे पड़ गए थे, आज इसी की वजह से मेरी जान बची है। बस माँ आप यूँ समझ लीजिए कि आज के बाद ये यही रहेगी। ठीक है फिर, ठीक है। किसी को भी ला, किसी को भी रख, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन ये लड़की याद रखना, इसे किसी नौटंकी का मंच मत समझना। यहाँ तेरा नाचना मटकना नहीं चलेगा, समझी? क्या आओ। इससे तो पहले वाली अच्छी थी, नाचती तो नहीं थी। महेश, महेश, महेश भैया घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। अरे सपना, बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम रखा है इसका? कल्पना। कल्पना, ओहो कितना पुराना नाम है। पता है, गोपाल की माँ का नाम भी कल्पना ही है। अच्छा, मैं शायद तो कहना मुझसे मिल ले। ठीक है। गोपाल बेटा, सपना को बेटी हुए 28 दिन हो गए, हमें उनके घर जाना चाहिए। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना तो मत जा। क्यों बसंती? मुझे क्या बोलते हो, जाना है जाओ, माँ और बच्चे दोनों को लेके आओ। बस इतना याद रखना, मेरी प्यास बुझाते रहना। कैसा खानदान है छे? क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? विनोद बेटा, सपना के बच्चे को पैदा हुए अब 28 दिन हो गए, ना तो गोपाल देखने आया और ना ही उसके खानदान का कोई पूछने आया। पता नहीं कैसे खानदान के लोग हैं, कैसे लोग हैं, घिन आती है मुझे। क्या यार, तुम्हारा बेटी फर्स्ट क्लास में पास हो गया, इसके लिए क्या चाहता पढ़ने के लिए भेज रहा है? अरे गांव में किसकी बेटी है, किस बाप की बेटी है जो फर्स्ट क्लास आई है रे? अरे तुम तो बहुत खुश नसीब है। अरे यार खुश नसीब भी हूँ और बदनसीब भी हूँ। एक बेटी ने बदनामी दिया और दूसरी बेटी ने नेकनामी दिया है। अरे इसी बात पे एक पौवा और मंगा लेता हूँ। मंगा ले, ला दे। अरे भाई पौवा ले आ भाई। हेलो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? लगता है चाचा आप अभी तक नाराज हैं। अरे भाई, तुम्हारी बेटी अव्वल नंबरों से पास हुई है, आज ये तो खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पर आप लोग ठर्रा पी रहे। अरे चाचा, विलायती लाया हूँ, विलायती। मुझे कोई विलायती नहीं पीनी है, मैं ठर्रा ही पीऊंगा। आज तो चाचा आपको पीनी ही पड़ेगी, क्योंकि चाचा अभी तो हम लोग रिश्तेदार होने वाले हैं ना। रिश्तेदार? हाँ। कैसी रिश्तेदारी? अरे चाचा, तुम्हारी बेटी गीता के साथ शादी करके मुझ जैसा होनहार दामाद तुमको मिलेगा। तू मेरा दामाद बनेगा? तोड़ डालूंगा, मार मार छोड़ दूंगा। छोड़ पुटे, तेरी बेटी मेरी जोरू बनेगी। जोरू? जोरू नहीं बनेगी, तू मरेगा साले, मेरे हाथ से मरेगा। अरे छोड़ पुट्टे, तू दामाद बना मुझे दामाद, समझा? दामाद? अरे छोड़ पुट्टे, मैं तेरी चिता सजाऊंगा। अरे जा, चिता सजाऊंगा, समझा? अरे जा पुट्टे, जा, उठा लूंगा तेरी बेटी को। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, शांत हो जा यार। देख लूंगा पुट्टे,
बुद्धे ने आज मुझ पर हाथ उठाया, आज मैं उसे जान से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं बुद्धे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं आ रहा हूं बुद्धे, बच सकता है तो बचा। बाहर निकल साले, आवारा और शरीफ बेड़ियों के बाप, साले घर में छुप के दलाली करता है। बाहर निकल बुड्ढे, अरे बाहर निकल, आज मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे धमकी दी थी ना, आज साले तेरे को बताता हूँ, आज तुझे खत्म कर दूंगा बुड्ढे। बाहर निकल ए बुड्ढे। पापा, ये तो महेश है, इतनी रात को शराब पीकर आया है। हाँ बेटी, लगता उसके इरादे कुछ नेक नहीं है बेटी, लेकिन तू फिक्र मत कर, जब तक मैं हूं ना तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूँ उसे, मैं देखता हूँ उसको। क्यों आया तू इतनी रात को घर पे? अरे बुड्ढे, तू क्या बोला था अड्डे पे? मैं तेरी चौकी का नाम लूंगा तो तू मुझे मार डालेगा। अरे नहीं, ये तो उधर की बात थी, वो दारू का अड्डा था, ये घर है। क्या ये घर है? साला कोठा बना रखा है, बोलता है घर है। देख देख महेश बेटा, तू अभी नशे में है, सुबह आना फिर बात करते हैं। सुबह? मैं सुबह तक इंतजार नहीं करूंगा, समझा? मैं मेरी डार्लिंग गीता से आज अभी बात करके जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे आठ आठ बुड्ढे, अरे मेरे और गीता के बीच आएगा। मैं आ गया हूँ मेरी जान। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे मार ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करने वाला हूँ। बहुत प्यार करने वाला हूँ। मुझे शराबी कह रही थी, मुझे शराबी कह रही थी, मुझे शादी नहीं करेगी, तुझे अपना बना कर ही रहूंगा। मेरी जान तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, और इस महेश कमीने को मैं जान से मार दूंगा। नहीं छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो, नहीं। खून, देखो क्या हो गया।
मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं सपना से शादी करना चाहता हूँ। जब भी मैंने शादी का इरादा किया तो सपना से ही किया, और आज भी जब शादी का ख्याल आया तो सपना ही सामने खड़ी थी। मैं इसके लिए सपना के पुराने रिश्तों को तोड़ने की जल्दबाजी कर रहा था। सपना का घर बस जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन बेहतर होगा कि तुम एक बार सपना से पूछ लो। क्या तुम क्या कह रहे हो विनोद? हाँ सपना, लगता है मेरा तुम्हारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, जो ना जाने मेरी या तुम्हारी भूल की वजह से ठोकरे खाता हुआ चला आ रहा है। सपना, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई उस दिन न जाने मेरे अंदर क्या क्या हुआ, मगर मेरे अंदर की आत्मा उस दिन जीवित हो गई जिस दिन गोपाल तुम्हें बुलाकर बसंती को अपने घर ले आया। सपना, ये दुनिया वाले मुझे कहते थे कि तुम शादी कर लो, और कहकर हंसते थे मुझ पर, और मैं उन्हें एक ही जवाब देता था, मेरी दुल्हन तो सिर्फ सपना है सपना। और देखो आज वक्त ने तुम्हें लाकर कहां खड़ा कर दिया है, जहां तुम मुझे समझ सकती हो, मुझे, मेरे प्यार को, मेरे जज्बात को। बोलो, तुम्हें मेरी दुल्हन बनना पसंद है, मेरे साथ घर बसाना पसंद है? आज मुझे समझ में आ गया विनोद कि तुम जैसा प्यार करने वाला मुझे कभी किसी जन्म में नहीं मिल सकता। मैं तुमसे कितना नफरत करती थी, तुम्हें ठुकराती थी, हमेशा गलत समझती थी, मगर आज समझ में आया कि मैं ही गलत थी। आज अपने बच्चे के सर से बाप का साया छीनने नहीं दूंगी। सपना, मैं तुम्हारी दुल्हन बनने को तैयार हूं। तो सपना, लाओ। आओ मेरे साथ। और इस तरह सपना को अपना सच्चा जीवन साथी मिल गया और उसने अपना घर बसा लिया।